तो चलिए गाइज, आज मैं आपको एक रियल लोकेशन बताने वाला हूँ एक कार की, जो कि एक मसल कार और भाई बहुत तगड़ी कार है। उसका नाम है ड्यूक ऑफ डेथ और उसकी मैंने कई सारी लोकेशन की वीडियो जो है वो डाली हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ये कार मिल तो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक होती है यहाँ पे। तो अगर आप जो है यहाँ पर पहुँच पाएंगे, देखो यहाँ पर जो है ये वाला है रूट 68, और आपको अगर मैं मैप में दिखाऊँ तो मैप जो है हमारा यहाँ पे है, और हमें इस वाले रोड पे इधर की तरफ जाना है। और अगर मैं बताऊं कि कहाँ तक जाना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हमें वो गाड़ी मिलेगी। तो कैसे मिलेगी उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है और फन भी होता है। तो आपके पास में देखो, आपका पीसी पे खेल रहे हो आप या फिर कोई से भी कंसोल पे आप खेल रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका जो GTA 5 है ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई पुराना वर्जन खेल रहे हो, लेकिन अपडेट हुआ वो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब आप इस रोड पे जाओगे और यहाँ तक जब आप पहुँचोगे, तो आपको जो है वो कार यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो मैप के ऊपर जो है ना एक ब्लिंक आ गया है, यहाँ पर आप एक डॉट देख सकते हो। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ मैप को, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये आ गई है। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर व्हीकल लिखा हुआ है, तो ये जो व्हीकल है ये है ड्यूक ऑफ डेथ। अब यहाँ पर जो है इसको लेने के बाद में क्या पंगा पड़ता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखो, इस वाले जो ये गैस स्टेशन है ना, यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई होती है। अब जैसे ही हम इस गाड़ी को लेंगे तो फिर देखना क्या होगा, बहुत ही मस्त चीज़ होती है। और ये गाड़ी देखो भाई, कितनी ही खतरनाक गाड़ी है। और ये लोकेशन जो है ना 100% आपको यहाँ पर मिलेगी अगर आप इस लेवल तक पहुँच जाओगे अपने गेम में। और मैंने अभी जो है मिशन कंप्लीट भी नहीं किए हैं ज़्यादा है। मैं आपको अगर अपने गेम का स्टेटस दिखाऊँ यहाँ पर, तो गाइज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो मैंने अभी गेम को 100% भी नहीं किया है। बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि 100% होने पर ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कभी भी मिल जाती हैं। तो मैंने अभी कुछ मिशन इसके अंदर किए हुए हैं और कुछ मिशन जो है वो मेरे बाकी हैं। तो चलिए इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और जैसे ही हम इस गाड़ी को बैठ जाएंगे, नॉर्मली ये गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट होगी और फिर हम इसको लेके यहाँ से चल सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, जैसे ही हम इसे लेके चलेंगे तो एक ट्रक हमारे सामने ये आ जाता है, और भाई एक ट्रक जो है वो पीछे से आएगा, ये आ गया। तो भाई ये पता नहीं क्या सेटअप लगा के रखा था इन लोगों ने कि ऐसे करके कोई आएगा गाड़ी उठाने के लिए। अब या तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई यहाँ पे डील वगैरह होने वाली हो, या फिर कोई कार चुराने के लिए आने वाला हो। तो वो मतलब कि उन्होंने एक सेटअप बिछा के रख रखा था कि जो भी बंदा इस गाड़ी को लेकर आएगा उसी को उड़ाना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रोल हो सकता है। तो भाई बड़ा मज़ा आता है इसको ले कर चलने में। और अब हमारे पीछे जो है काफ़ी गाड़ियाँ पड़ चुकी हैं, देख सकते हो। और भाई ये गाड़ी जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, चाहे हम कहीं भी चले जाएँगे। और भाई तब दबा के हमारे पीछे गोलियां पड़ रही हैं, और अभी वो बंदे जो है काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, इन बंदों को मारना है और फिर ये वाली गाड़ी जो है ये अपनी हो जाएगी। और फिर इसको जो है मैं अपने गैराज में रखूं या कहीं पे भी जाके इसको मैं मतलब कुछ भी करूँ मैं इसके साथ, तो गाड़ी जो है वो अपनी हो जाएगी। और अगर इन बंदों की बात करें तो ये बंदे भी मुझे समझ नहीं आते कौन से गैंग के बंदे हैं। गाइस यहाँ पे कुछ बंदों को मैंने मार दिया, और बाकी के जो बंदे हैं वो आ रहे हैं मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो चलो उन्हें तो खैर मैं मार ही दूंगा, और ना भी अगर मैं मारूँ तो अपनी गाड़ी तो मुझे मिल ही चुकी है। तो इस तरह जो है ड्यूक ऑफ डेथ आपको मिल जाएगी, और एकदम मतलब सिंपल सी लोकेशन है। आप लेके भागो, जो बंदे आपके ऊपर अटैक करेंगे उनको तुम पीट दो। तो चलो भैया, हम अपनी ड्यूक ऑफ डेथ को लेके जाएंगे और अपने घर पर खड़ी करेंगे आराम से, और फिर इसके बाद में हम इन्जॉय करेंगे इस गाड़ी को। तो गाइस इस तरह जो है आप भी अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।